नहीं आता। 128 रन की लांती हार आपकी शक्लों में पड़ी है आज फिर से, और पाकिस्तान जिसको आपने इसी टूर्नामेंट के अंदर बुरी तरह हराया था, जहां साई सुदर्शन ने 100 लगाया था, जोन्स ने आपके 50 लगाए, अंपायरिंग तो बहुत लांती और घटिया हुई है, कर रहे हैं अंपायर बच्चों को लगा दिया आपने, उस पर बात करेंगे, अंपायर की बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो पाकिस्तान ने जो चेंजेस करे और आपने क्या किया अगर उस पर बात करी जाए, मेरे ख्याल ये इंतहाई बुजदिल एक तरीके की अप्रोच आपकी, बार बार आप पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनसे कंपटीशन नहीं, आपका सिर्फ साउथ अफ्रीका से कंपटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा चोक करेगा अपनी जिंदगी में। पिछले 10 साल से चोक करते आ रहे हैं, बच्चों में भी आ गया। पाकिस्तान लगातार दूसरी बार इमर्जिंग एशिया कप जीत गई है, तालियां पहले उनके लिए, वेल डिजर्व, यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। मैं आज जो स्पेशली नाम लूंगा वो है अरशद इकबाल, बिकॉज इतनी अच्छी स्टार्ट, बॉलिंग की तो बात करेंगे, जो फिट है वो बॉलिंग आपने करी है, 350 रन पड़वा दिया आपने, लेकिन अरशद इकबाल ने जहां पर जाकर आपके साई सुदर्शन और दूसरे ओपनर आपके अभिषेक की जब अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी, साई सुदर्शन को जो एक ओवर डाला है जहां पेस से लगातार बाउंसर्स से बीट करते रहे, हालांकि वो भी नो बॉल ही थी मेरी किताब में तो, जिसपे साई सुदर्शन आई थिंक पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतने आया था, अगर उन्होंने उनके कोच की आपने बात सुनी, उन्होंने बोला 3 प्लेयर तो हमने जान के नहीं खिलाए, क्योंकि लीग मैच से हमें मतलब नहीं, हमें फाइनल से मतलब है, जो खिलाए वो भी 30-30 साल में खिलाए हैं, फाइनल से मतलब ही नहीं है। आपने खिलाया इकबाल को, आपने खिलाया मुकीम को, राइट, और आपने खिलाया जिन्होंने मारी है सेंचुरी, तो इन तीनों को आपने अंदर करा, बाकियों को बाहर करा। आपके जो मेन खिलाड़ी आज मुझे लगे बैटिंग के, तो आपकी पाकिस्तान की बात कर लेंगे, मगर इकबाल ने जो ओवर डाला है, बाद में मुकीम को तो आपने गिफ्ट, आपके सारे के सारे प्लेयर इस पिच के ऊपर, चलो 350 बन गए, इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद बैटिंग पिच के ऊपर एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर आप सबका बैटिंग स्कोर कार्ड देखोगे किस तरीके से आउट हुए, साई सुदर्शन को छोड़ दो, साई सुदर्शन क्या लड़ाई झगड़े हुए शायद ऐसी।